प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का आज के शुक्रवार की रात की प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। और जिस भी बंधनों में हम थे उससे प्रभु ने हमें आजाद किया है। अगर आज आप भी किसी बंधन में है, किसी तकलीफ में है, तो आज प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, आप उस बंधन से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपके परमेश्वर पिता दया के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के इस रात के समय हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता आपने हमें दिन भर संभाला है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें बीमारियों से बचा के रखा है और हमारे जीवन के ऊपर कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता मेरे खुदावंद आपने नहीं रहने दी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे खुदावंद सच में आपके ये बेटे बेटियां और मैं खुद भी मेरे खुदावंद आपके पास आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद कि हमारे परमेश्वर का बोझ को आप लीजिए, हमारी चिंताओं को आप लीजिए, हमारे जीवन की जो भी परेशानियां है उन सभी को आप लीजिए मेरे खुदाबंद और हमें आजाद कीजिए, क्योंकि जिसे आप आजाद करते हैं वही सच्चा आजाद हुआ होता है मेरे खुदाबंद और वही सच्ची आजादी को महसूस करता है। पिता परमेश्वर दया कीजिए राजाओं के राजा प्रभु, संसार के लोग पिता परमेश्वर पाप के बंधन में जकड़े हुए है, परमेश्वर पिता पाप के बंधन में फंसे हुए है और परमेश्वर पिता सच में उन्हें छुड़ाने वाला आपके सिवा कोई नहीं है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर आप उनके ऊपर दया कीजिए, आप उन्हें छुड़ाइए मेरे खुदावन, जो पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, जो पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, उनको प्रभु आप छुड़ाइए राजाओं के राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने हम पर दया की है, हमें पापों के जाल से आपने आजाद किया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आपने अद्भुत तरीके से अपने कामों को किया है, अपने नाम को हमारे ऊपर प्रकट किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुसमाचार सुनाने के लिए हम सभी को मदद कीजिए प्रभु। सच में आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो इस संसार में है वो सभी व्यक्ति को अनंत काल का जीवन मिले, जो जीवन आपने हमारे लिए रखा है, जो जीवन आपने अपने विश्वासी जनों के लिए रखा है मेरे खुदावंद और अपने वचन पर चलने वालों के लिए रखा है, उस जीवन में हमें प्रवेश करना है मेरे खुदावंद। हम सभी को मदद करना, हम परमेश्वर पिता पूरी तरह से अपने मन को ऐसा बना सके, अपने चाल चलन को ऐसा सुधार सके कि पिता हमारा परमेश्वर पिता प्रवेश उस स्वर्ग राज्य में हो। हालेलुया। आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें चंगा किया है, आपने हमें अद्भुत रीति से पढ़ाया है मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावंद आपने हमें छुड़ाया है, नहीं तो हम पाप में जीते रहते और प्रभु हम मर जाते और नरक अनंत काल के लिए नरक में चले जाते। लेकिन पिता आपने हमें अभी चुना है, हम नरक नहीं जाएंगे, हम जब आपके वचन पर चलेंगे तब प्रभु आपकी इच्छा अनुसार चलने के लिए हमें आपने चुना है। नरक तो उस दुष्ट के लिए, शैतान के लिए रखा है, जो लोगों को भरमाता है, लोगों को फंसाता है और पाप में गिराकर दुष्ट आत्माओं के द्वारा लोगों को नरक में की ओर ले जा रहा है। उस शैतान के लिए, उस दुष्ट आत्माओं के लिए नरक आपने बनाया हुआ है। सच में मेरे खुदावन आपने पिता आपके परमेश्वर पिता लोगों के लिए स्वर्ग में परमेश्वर जगह तैयार की है, उस स्वर्ग की जगह में हमें आना है मेरे खुदावन, हमें मदद कीजिए प्यारे पिता। सच में हम परमेश्वर पिता अपनी दौड़ को पूरी तरह परमेश्वर पिता प्रभु सफलता से परमेश्वर पिता पूरी कर सके, ऐसे प्रभु हम समझ को परमेश्वर पिता हमारे अंदर दीजिए, उस दौड़ को हम पूरा कर सके मेरे खुदावन। इस संसार में जो दौड़ हमें पूरी करनी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, उस दौड़ को हमें पूरा करना है और प्रभु आप हमें मदद कीजिए प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और सभी भाई बहनों को ब्लेस किया। प्रभु रात को प्यारी नींद देना, हर एक को ब्लेस करना और जिन्हें बुरे सपने आते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो भाई वो बहन बुरे सपनों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और जो दुष्ट आत्मा उनको सपने डालती है वो निकल जाए उनके परिवार से। शैतानी आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके फैमिली को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और सभी भाई बहनों को ब्लेस किए और प्रभु हम अपने मन में आपकी शांति को महसूस कर रहे हैं, आपकी दया को हमारे जीवन के अंदर महसूस कर रहे हैं और परमेश्वर पिता इसी तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए वचन को दिन ब दिन परमेश्वर पिता गहराई से समझने के लिए हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को आप खोलिए प्यारे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।
आमेन।